Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मेरठ डोडा ऑफिस के उस कर्मचारी को आज बर्खास्त कर दिया गया जिसका 2 सप्ताह पूर्व रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए इस कर्मचारी अमित को एक पीड़ित व्यक्ति ने बतौर रिश्वत 20,000 रुपये दिए थे। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि लगातार काम करने की एवज में उससे 20,000 रुपये मांगे जा रहे थे। परेशान होकर आखिरकार उसने रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इसका संज्ञान लेते हुए शासन को पत्र लिख दिया था। आज 2 सप्ताह बाद अमित की बर्खास्तगी का पत्र मेरठ डूडा कार्यालय प्राप्त हो गया। भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल होने के बावजूद वह पिछले 2 सप्ताह से बराबर अपनी सीट पर काम करता हुआ देखा गया है। इस पर आज डूडा परियोजना अधिकारी चंद्रभान वर्मा ने यह कहते हुए सफाई दी। हाँ, उसकी एक जाँच हुई थी, जाँच रिपोर्ट हम लोगों ने DM साहब के साइन से भेजा था सूडा शासन को। उसी क्रम में आज टर्मिनेशन लेटर आ गया है और वो आज वो टर्मिनेट कर दिया गया। मैं अभी साइन कर दिया 2 मिनट पहले ही और उसको अब बाहर कर दिया। अब वो यहाँ काम नहीं करेगा आज के बाद। सर अभी तो कार्य कर रहा था? नहीं, अभी कर रहा था तो वही कर रहा हूँ। अभी मेल आया है सुबह 10:30 बजे, तो पता भी नहीं था, तो सूडा से फ़ोन आया और बताया गया कि आपको मेल कर दिया गया है ये कार्रवाई करते हुए। तो मैं भी पत्र जारी कर दिया उसको और रिसीव भी करा दिया अभी 5-10 मिनट पहले ही। तो अब नहीं काम करेगा। अगर वो कार्यकर्ता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर वो यहाँ कार्यकर्ता हुआ पाया जाएगा किसी तरह से तो मैं ही जिम्मेदार रहूँगा भाई। मैं नहीं लूँगा, मैं तो कमिट करता हूँ ना, कोई काम नहीं लूँगा मैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।